इट इज द फोर्थ चैप्टर ऑफ आवर बुक इंफॉर्मेशन सर्च. ठीक है, इंफॉर्मेशन मालूमात को कहा जाता है, सिंपल सर्च कहते हैं किसी चीज को तलाश करने में. ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं दैट वन इज कंज्यूमर बिहेवियर. कंज्यूमर कौन है? चीज को इस्तेमाल करने वाला. ठीक है, तो जब किसी चीज को हमने इस्तेमाल करना है डेफिनेटली उस चीज को हमने बाय करना है, और उस चीज को बाय करने के लिए हम लोग उसमें स्पेसिफिक क्वालिटीज देखते हैं. क्या वो चीज जो है हमारे लिए सुटेबल रहेगी? क्या जो हम प्राइस उसके लिए पे करना चाह रहे हैं इट विल बी इनफ फॉर अस और नॉट? ठीक है, तो हमें उस प्रोडक्ट से रेलिवेंट इंफॉर्मेशन चाहिए होती है. ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर आपके पास इंफॉर्मेशन सर्च पे है कि आप लोग जो चीज बाय करना चाहते हो मार्केट में उसको आपने जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है. जब आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे देन आप उसको एनालिसिस करोगे कि आपके पास क्या ये चीज जो है आपके यूज के लिए बेहतर है और नहीं बेहतर है. ठीक है, फर्स्ट हम स्टार्ट लेते हैं नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन सर्च. अब जब आप किसी चीज की मालूमात लेने चाह रहे होगे तो वो किस किस्म की हो सकती है इंफॉर्मेशन? ठीक है, तो इंफॉर्मेशन की हमारे पास यहाँ पर तीन बेसिक टाइप्स हैं. फर्स्ट वन इज इंटरनल सर्च, सेकंड वन इज एक्सटर्नल सर्च एंड थर्ड वन इज ऑनगोइंग सर्च. फर्स्ट सर्च जो है हमारे पास इंटरनल सर्च. इंटरनल का क्या मतलब है? अंदरूनी. ठीक है, तो अंदरूनी सर्च से मुराद ये सर्च हमारे पास होगी दैट इज रिलेटेड टू द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम मेमोरी. मेमोरी कहते हैं याददाश्त को. ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल मैं कोट करती हूँ, आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा. इंटरनल सर्च होती है जिसके लिए आपको कहीं पर जाना नहीं पड़ता, वो सर्च आपके अंदर मौजूद होती है चीज की. आपके चीज अंदर से आपको वो फीलिंग आ रही होती है कि आपको अब इस चीज की तलाश है, ये चीज आपको चाहिए. ठीक है, उसके लिए आपको किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन गैदर करने की जरूरत नहीं पड़ती है. ठीक है, और इसके लिए एग्जाम्पल यहाँ पर है अ पर्सन हु हैव अ हेडेक. ठीक है, एक पर्सन है जिसके सर में जो है वो दर्द हो रहा है कंटिन्यूसली. ठीक है, तो अब उसको इसके लिए डॉक्टर के पास जाने की फिलहाल जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उसको पता है कि जो डिस्प्रिन है वो उसको इस पेन से जो है वो रिलीफ दे देगी. तो वो क्या करेगा, फौरन से किसी मेडिकल स्टोर पे या किसी फार्मेसी पे जाएगा. ठीक है, वहां से वो डिस्प्रिन को बाय करेगा और उसको यूज कर लेगा. ये थी उसकी इंटरनल सर्च. इंटरनल सर्च के लिए उसको किसी भी किस्म की एफर्ट नहीं करनी पड़ी, उसकी मेमोरी में ये चीज स्टोर थी कि जब भी उसके सर में दर्द होता है तो वो डिस्प्रिन से ठीक होता है. ठीक है, तो उसको किसी भी किस्म की फर्दर एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी. नेक्स्ट वन इज एक्सटर्नल सर्च. एक्सटर्नल सर्च ऐसी सर्च होती है जो कि हमारे इंटरनल सर्च से निकल आती है. जब हमें इंटरनली कुछ समझ नहीं आ रहा होता ना कि इस सिचुएशन में हमें किस चीज की जरूरत है, तो देन हमें एक्सटर्नल सर्च की तरफ मूव करना पड़ता है. एक्सटर्नल सर्च में आपको कौन हेल्प आउट करता है? आपके फ्रेंड्स, आपके कहते हैं आपका जितना भी सराउंडिंग का सर्कल है, आपके कलीग्स, उस टाइम जिस चीज की आपको जरूरत है, आप जिन लोगों के दरमियान बैठे हुए हो, ठीक है, वो आपको हेल्प आउट करते हैं कि अब आपको किस चीज की जरूरत है. लेट सपोज अगर उस टाइम कोई अवेलेबल नहीं है तो आप लोग इंटरनेट यूज करोगे. ठीक है, या पर्सनली कहीं पर जाके विजिट करके आप देखोगे कि इस टाइम आपको किस चीज की जरूरत है. ठीक है, लेट सपोज हेडेक के अलावा अगर आपको कोई मेजर जो है वो उस टाइम फील हो, आपके अंदर कोई बीमारी फील हो, तो आप क्या करोगे? आप अपने सराउंडिंग में बैठे हुए फ्रेंड्स को या पेरेंट्स को बताओगे कि आपको इस टाइम ऐसा कुछ फील हो रहा है. ठीक है, वो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, अपने इंटरनल सर्च के अकॉर्डिंग आपको रिकमेंड कर देंगे कि आप भी ये चीज यूटिलाइज करो. ठीक है, इन केस अगर ऐसा नहीं होता तो आप डॉक्टर से कंसर्न करोगे. ठीक है, अगर आप डॉक्टर से भी पहले जो है आप लोग इंटरनेट से सर्च करना प्रेफर करोगे, तो ये आपकी होती है एक्सटर्नल सर्च. जो आपको इन्फॉर्मेशन खुद से ना मिले, आपको किसी और से जो है वो हेल्प लेनी पड़े या किसी की गाइडलाइन लेनी पड़े. ठीक है, वो आपके पास होती है एक्सटर्नल सर्च. एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन जो आप बेसिकली आपके पास डिपेंड कर रही होती है आपके किसी के ओपिनियंस पे कि किसी की राय आपके बारे में क्या है. ठीक है, किसी की फीलिंग्स के बारे में. ठीक है, अब आपके फ्रेंड सर्कल में भी डिफरेंट फ्रेंड्स होते हैं. आप हर एक एडवर्टाइजमेंट को, हर एक जो आप वो आपको जो सजेशन दे रहा है आप उसको जो है बॉदर नहीं करोगे. ठीक है, जस्ट लाइक अगर आपका कोई एक इंटेलिजेंट फ्रेंड आपको वो सजेशन दे रहा है कि इस टाइम तुम्हें ये करना चाहिए, उसको आप कंसिडर कर लोगे एज कम्पेयर टू एक अगर आपका कोई ऐसा फ्रेंड है जो स्टडीज में नहीं अच्छा या थोड़ा वीक है, तो आप कहोगे तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं, तुम मुझे मरवाओ इस तरह की हम जो है वर्डिंग वो कॉमनली यूज करते हैं, तो आप उसके सजेशन को जो हो वो निग्लेक्ट कर दोगे. ठीक है,
इसके अलावा आपके पास जो एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन का जो होगा वो होगा ट्रायल। ट्रायल ये है कि आपको आसपास कोई नहीं मिल रहा और आपकी इंटरनल सर्च भी आपको कुछ नहीं बता रही कि आपको इस टाइम क्या करना चाहिए, तो आप कोई खुद से जो है वो ट्राई कर लोगे चीज। आपको अंदर से मतलब एक फीलिंग आ रही होगी, आपकी प्योर फीलिंग नहीं होती वो, जस्ट वो आपके अजम्पशन होती है कि शायद मैं ऐसा करूँ तो मेरी जो ये पेन है वो रिकवर हो जाए। जस्ट लाइक आपके सर में दर्द हो रही है तो आपको मैं इसको जो टाइटली करके बांध लूँ तो क्या पता मेरे सर में जो है दर्द ठीक हो जाए, तो वो आपका क्या है ट्रायल। नेक्स्ट होता है आपका एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट भी मैटर करती है, ठीक है, अगर कहीं पे आपने एडवर्टाइजमेंट जो है वो इसके रेलिवेंट देख लो, ठीक है, जस्ट लाइक आपके पास यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियोस आपको अवेलेबल होती हैं कि आपके पास जितनी भी प्रॉब्लम्स है आप उसको यूट्यूब पे सर्च करोगे आपको मिल जाएगी, तो वो भी आपके पास एक एक्सटर्नल सर्च का सोर्स बनेगी। थर्ड वन इज ऑनगोइंग सर्च, ठीक है। ऑनगोइंग सर्च से मुराद है ऑन और गोइंग भी, ठीक है। ऑनगोइंग का मतलब है चलती जा रही है, ऐसी सर्च जो रुकती नहीं है। इंटरनल सर्च में हमें पता लग जाता है हमारे अंदर की फीलिंग्स हमें बता रही होती है कि जो ये करना है आप उसको अडॉप्ट कर लेते हो। और एक्सटर्नल सर्च में क्या है कि आपको जो है वो कोई सजेशन दे रहा होता है। ऑनगोइंग सर्च में ना तो आपको इंटरनली कुछ पता लग रहा होता है ना एक्सटर्नली, ये सर्च आपको बेसिकली डिपेंड कर रही होती है। सर्च फॉर इंफॉर्मेशन कंडक्टिंग बोथ रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन फॉर लेटर यूज एंड बिकॉज द प्रोसेस इटसेल्फ इज मेजरेबल। यहाँ पे मैं सॉरी मेजरेबल ही प्लेयरेबल, प्लेयरेबल कहते हैं खुशगवार जो आपको खुशी दे। एक एग्जांपल कोट करते हैं, ये फर्दर क्लियर हो जाएगा आपको। एंड हियर वी टुक द एग्जांपल ऑफ टेबल टेनिस, ठीक है। लेट्स सपोज यू हैव इंटरेस्ट इन प्लेइंग टेबल टेनिस, ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, आप टेबल टेनिस आपको खेलने का शौक है जैसे, ठीक है, आपको खेलना नहीं आता तो आप उसको चीजों को एक्सप्लोर करोगे लेटर यूज, आपने उसको बाद में खेलना है, ठीक है। यहाँ पे जो वर्ड आपके पास यूज किया हुआ है इन्फॉर्मेशन फॉर लेटर यूज, अभी आपको खेलना नहीं आता पर आप उसको आने वाले वक्त में जो है उसको खेलना चाहते हो, तो आप उसके लिए इन्फॉर्मेशन अभी से ही कंडक्ट करोगे, ठीक है। क्यों अभी से कंडक्ट करोगे, क्योंकि वो आपको प्लेयर दे रही है, आपको वो खुशगवार कर रही है, आपको चीजें कनेक्ट कर रही है, तो आप उसके बारे में जो सर्च करते हो उसको आप कहोगे ऑन गोइंग सर्च। ऐसी सर्च जो आपकी आने वाले टाइम में जो है वो यूज होनी है, जो आपने चीज बाय करनी है, तो उसके लिए सर्च आप अभी से करना शुरू कर दो कि जी मैंने आने वाले वक्त में टेबल टेनिस खेलनी है, तो मुझे जो है वो किस किस्म की जो है वो किस किस्म की जो है वो मेरे पास टेबल होनी चाहिए, किस किस्म की बॉल्स होनी चाहिए, तो उसके बारे में जो आप सर्च करते हो ये तो ना तो इंटरनली आपको पता लग रहा होता है कि आपने कैसे करना है, ना ही आपको एक्सटर्नली कोई जो है वो गाइड कर रहा होता है, ठीक है। ये आपकी ऑनगोइंग सर्च होती है, कभी आप लैपटॉप से सर्च कर लेते हो, कभी आप टेलीविजन पे कहीं पे आप जो है वो मूवीज में देखते हो, वहां से ये जो है आपकी सर्च डेवलप होती है, आपका इंटरेस्ट लेवल डेवलप होता है और आप उस चीज को जो है वो सर्च आउट करना शुरू करते हो। नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सर्च, ठीक है। इंफॉर्मेशन सर्च की टाइप तो कौन कौन से टाइप्स हैं उनको हम वन बाय वन देखेंगे। फर्स्ट वन इज एवेल्यूएशन क्राइटेरिया। एवेल्यूएशन क्राइटेरिया, एवेल्यूएशन जैसे कि जैसे लाइक हमारी एवेल्यूएशन रिपोर्ट बनती है, हम लोग किसी को एवेल्यूएट कर रहे होते हैं कि इसकी प्रोग्रेस कैसी है, ठीक है, तो वो आपके पास एक एवेल्यूएशन क्राइटेरिया होता है। इसी तरह से अगर आपने कोई चीज़ खरीदनी है तो आप पहले उसको एवेल्यूएट करोगे कि ये चीज़ मार्केट में कैसी है, क्या ये मेरे लिए बेहतर रहेगी, क्या इसमें वो सॉफ्टवेयर हैं जो मैं यूज करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका क्या है एवेल्यूएशन क्राइटेरिया। यहाँ पे आपके पास एग्जाम्पल बुक में आपके पास गिवन है मोबाइल फोन की, लेट्स सपोज यू हैव टू बाय अ गुड सेल फोन, ठीक है, तो सेल फोन आपने बाय करना है, ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले उसको वैल्यूएट करोगे। वैल्यूएट करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है आपके पास कि आप किस जिसके पास वो सेल फोन है, ठीक है, आप उससे पूछोगे कि जी आप सेल फोन यूज कर रहे हो इस मॉडल का, इस सेल फोन में कौन कौन सी क्वालिटीज हैं, इसकी बैटरी टाइमिंग कितनी है। हालांकि ये सारे फीचर्स उस सेल फोन के बॉक्स के ऊपर लिखे होंगे, लेकिन हम लोग उसको खुद से वैल्यूएट कर रहे होते हैं। इवन तो हम लोग शॉपकीपर के पास जाके भी सब कुछ लिखा भी होगा बॉक्स के ऊपर, हम उसको नहीं रीड आउट करेंगे, हम उससे पूछ रहे होते हैं जी कैसा चलता है, इसकी क्वालिटी क्या है, इसकी डमी दिखा दें, ठीक है। तो ये आपका सारा क्या है एवेल्यूएशन क्राइटेरिया। एवेल्यूएशन का क्राइटेरिया जो है बेसिकली आपके एक्सपीरियंस पे भी डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। अगर आपका जो एक्सपीरियंस है, आपने पहले वो चीज प्रोडक्ट यूज किया, लेट्स सपोज एक शैम्पू है, आप एक शैम्पू यूज करते हो वो आपको सूट नहीं करती, उसके बाद आप सेकंड शैम्पू यूज करते हो, ठीक है,
वो आपको उससे ज्यादा सूट नहीं करती। तो आप इन दोनों में कंपैरिजन करोगे कि इन दोनों में से बेहतर कौन सी थी, ठीक है, क्योंकि आपके पास चॉइसेस में फिलहाल यही दोनों अवेलेबल हैं। तो आपको लगेगा कि जो फर्स्ट वाली बेहतर थी, तो वो आपका एक्सपीरियंस आपको बता रहा है कि आपने चीज़ों को एवेल्युएट करना है, उनकी एवेल्युएशन करनी है कि जो सबसे हाई रैंक किसका है, उसके बाद रैंकिंग किसकी आएगी, ठीक है, और फिर उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे कि कौन सी बेस्ट है और कौन सी आपके बजट में आ रही है, उसको आप बाय कर लोगे। जस्ट लाइक एवेल्युएशन रिपोर्ट में आपके पास ग्रेडिंग दी होती है, गुड, वेरी गुड, एवरेज, ठीक है। तो इसी तरह आप लोगों ने जब मार्केट में कोई चीज बाय करनी होती है, तो आप अपने गुड्स की सर्च को एवेल्युएट करते हो रैंकिंग वाइज, ठीक है। और वो रैंकिंग आपके पास किस तरह की होती है, क्योंकि हम आगे देखते हैं उन रैंकिंग को प्रॉपरली नाम दिया गया है। पहले तो होता था ना एवरेज हो गया, गुड हो गया, वेरी गुड, एक्सीलेंट, सेटिस्फैक्ट्री। अब हम देखेंगे बिजनेस लैंग्वेज में इन वर्ड्स को क्या कहा जाता है। सेकंड हेडिंग इज एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव्स। एप्रोप्रिएट कहते हैं प्रॉपरली जो आपके पास अल्टरनेटिव्स मौजूद हों, ठीक है। अब अल्टरनेटिव से मुराद है कि अगर एक चीज आपको नहीं मिल रही तो आप दूसरी चीज की तरफ मूव कर जाओगे, ठीक है। यहाँ पे आपके पास जो बेस्ट एग्जाम्पल होती है वो होती है ब्रांड की, ठीक है। अगर आपको एक ब्रांड से कोई चीज नहीं पसंद आ रही है, आप दूसरे ब्रांड की तरफ मूव ऑन कर जाओगे एंड नेक्स्ट ओनर। यहाँ पे भी एग्जाम्पल आपके पास सच दी है, यू माइट से टू योर सेल्फ, आपने अपने आप को कहना है आफ्टर माई अंकल एक्सपीरियंस, अंकल ने जो था वो बाय किया था एक्सेस मोबाइल, ठीक है, और सुनने में आया था कि वो बहुत अच्छा है, लेकिन जो मेरे पेरेंट्स यूज कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं वाई वाई वाई, ठीक है। यहाँ पे उसने ऐसे एग्जाम्पल कोट किया, आप आईफोन और सैमसंग कर लो, अंकल आईफोन यूज कर रहे थे, पेरेंट्स सैमसंग यूज कर रहे थे, आप लोगों के एक्सपीरियंस ने बताया कि जो पेरेंट्स सैमसंग से ज्यादा सेटिस्फाई हैं एज कम्पेयर टू अंकल, ठीक है, क्योंकि अंकल के सैमसंग में ब्लूटूथ का ऑप्शन नहीं है, आईफोन्स में नहीं होता। तो ये आपके पास क्या है, अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव, दोनों चीजें बेहतर हैं लेकिन आपके पास एक चीज को छोड़ के दूसरी चीज को अवेल करने का ऑप्शन है, ठीक है, मुतबादिल मौजूद है, तो आप अल्टरनेटिव भी सीएन की तरफ मूव कर जाओगे। नेक्स्ट इज अवेयरनेस सेट। अब आपके पास अवेयरनेस होनी चाहिए चीजों को बाय करने के लिए। अवेयरनेस सेट में आपके पास तीन किस्म के सेट आते हैं। फर्स्ट वन इज अवॉक्ट एंड कंसेंट्रेशन सेट, सेकंड इज इंपैक्ट एंड थर्ड इज इनर्ट। इन तीनों को हम देखते हैं, पहले मैं इनकी एग्जाम्पल कोट करूंगी फिर ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसकी मैं एग्जाम्पल कोट कर रही हूँ। मैं आपके पास होगी नोकिया, इनपैक्ट में आपके पास सोनी, ठीक है, और थर्ड में इनर्ट में आपके पास आ रहे हैं जी वोडाफोन। वॉक के डेफिनेशन हम देखें तो ये हमारे पास वो ब्रांड हैं, दोज ब्रांड्स The individual is willing to consider for a solution of a particular consumption problem. ये ऐसी चीजें हैं जो कि इंसान उस टाइम पे खरीदना चाह रहा होता है जब उसको जरूरत होती है, उसका इसके अलावा कोई मोटिव नहीं होता, जस्ट वो चीज की जरूरत को पूरा करने के लिए फॉर द कंजप्शन पर्पज वो इस चीज को बाय करता है। फॉर एग्जाम्पल नोकिया, ठीक है, अब नोकिया यहाँ पे हम इसको पूरा कोट कर लेते हैं, नोकिया 1310, ठीक है। अब ये जरूरत के लिए रखा जा रहा होता है ना, ये कौन यूज कर रहा था, हमारे ग्रैंड फादर या फोर फादर, ठीक है, ये उनको यूज कर, क्योंकि उन्होंने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का आइडिया नहीं है, उन्होंने जस्ट इसको पर्सनल कंजप्शन के लिए रखा हुआ है, उन्होंने जस्ट अपनी जरूरत पूरी करनी है, ठीक है, तो उनके लिए यही बेहतर रहेगा, रीजनेबल प्राइस, ठीक है। सेकंड पॉइंट रीजनेबल प्राइस है, सेकंड पॉइंट है जी इसके लिए उन्हें कोई भी हार्ड एंड फास्ट इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए होगी, उन्हें पता है कि जी सदियों से एक चीज चलती आ रही है, और तो वो जो है उनके पास एक अल्टरनेटिव है कि वो आईफोन को छोड़ के नोकिया को प्रेफर करेंगे, ये उनके लिए ज्यादा सूटेबल रहेगा। नेक्स्ट है सेकेंड इनपैट, इनपैट कहेंगे इसको, ठीक है। ये आपके पास होता है दोज ब्रांड्स द कंज्यूमर फाइंड्स कंप्लीटली अनवर्थी, ठीक है, और फर्दर कंसिडरेशन व्हेन अटेम्प्टिंग टू सॉल्व अ कंजप्शन प्रॉब्लम, कंज्यूमर एक्टिवली डिसलाइक द ब्रांड इन दिस सेट, ठीक है। सोनी जो कंपनी आपके पास चल तो रही है मार्केट में, ठीक है, और जरूरत के वक्त आप इसकी चीजें बाय भी कर लेते हो, लेकिन ये आपके पास ऐसी चीजें हैं जो अनवर्थी हैं, जिनके ऊपर आप यकीन नहीं कर सकते,
प्रॉपरली ट्रस्ट लेवल आपका नहीं होता, आपको पता होता है कि ये जो है आने वाले वक्त में खराब हो सकती है, इसकी प्रॉपरली आपके पास कोई गारंटी नहीं गिवन होती, गारंटी अवेलेबल नहीं होती, तो उस केस में क्या होता है, तो ऐसे जो सेट्स होती हैं आपके पास जिनकी वो गारंटी नहीं हो, लेकिन आप जो है वो टाइम पास के लिए, चलो जी सोनी हम ले लेते हैं, उसमें ये है कि जरूरत भी पूरी होती जाएगी और हमारा जो है वो हमें टच फोन भी मिल जाएगा, हमारी जो लाइक लिविंग स्टैंडर्ड है उसका पार्ट भी बन जाएगा और हमारी जो है इम्प्रूवमेंट होती जाएगी, ठीक है। उसके लिए जो आप सेट चूज करोगे वो इनफेड सेट होता है। नेक्स्ट इज इनर्ट सेट। इनर्ट सेट कहते हैं आपके पास जस्ट लाइक वोडाफोन हो गया, ठीक है, इसके अलावा आपके पास और भी दो चार कंपनीज जो है जस्ट लाइक लोकल कंपनीज जो बिल्कुल है, जिनका नाम तो हमने सुना हुआ है, ऐसी कंपनीज जिनका नेम हमने सुना हुआ है, लेकिन हम इन पे ना तो ट्रस्ट करते हैं और ना ही इनको हम बाय करने के लिए अवेयरनेस शो करते हैं। आपने दोस ब्रांड्स ऑफ विच द कंज्यूमर इज अवेयर, कंज्यूमर को उसकी नॉलेज जरूर होती है बट टूवर्ड्स, लेकिन इसकी तरफ ही और शी इज बेसिकली इंडिफरेंट, लेकिन ये बाकी चीज़ों की निस्बत इसकी तरफ इसका रवैया बिल्कुल ही डिफरेंट होता है, मतलब कि ये कहना ना खत्म मताल, मतलब सारा कुछ जब और कुछ नजर ना आ रहा हो तो फिर उसने जी इसको बाय करना है, ठीक है, इसको ना तो वो खरीदना प्रेफर कर रहा होता है क्योंकि ना तो इसकी गुडविल होती है ना ही इसके कोई एक अच्छी अच्छा एक्सपीरियंस आ रहा होता है लोगों का। तो ये आपके पास थर्ड सेट आता है जिसमें से आप अपने गुड्स की सिलेक्शन करते हो कि आपको अब कौन सा गुड बाय करना है। नेक्स्ट इज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में किस सोर्सेज जराए को कहते हैं, आपको कहाँ कहाँ से इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि आपको किस किस किस्म के जो है वो गुड्स अभी रिक्वायर्ड है। फर्स्ट वन इज मेमरीज। अब मेमरीज क्या है, आपकी याददाश्त, तो याददाश्त आपकी क्या होती है, आपके पास्ट एक्सपीरियंस है, ठीक है, पास्ट सर्च से जो आपने पहले वक्त में जो थी वो चीज ट्राई की थी, तो अब आप कहोगे जी हाँ जी मैंने पहले ट्राई की थी, ये चीज बेहतर है, इसको मैं ले कर सकता हूँ, ठीक है, जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसमें आपको जो चीज अवेलेबल होती है, ठीक है, उसमें आपने उसको प्रैक्टिकल यूज किया होता है, आपको उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट नजर आ रहे होते हैं, पॉजिटिव इवन दो नेगेटिव, ठीक है, तो वो आपके पास आपकी मेमोरी कंसीडर की जाती है। नेक्स्ट इज पर्सनल सोर्स। पर्सनल सोर्स में आपके पास आपके फ्रेंड्स और फैमिलीज आती हैं, ठीक है, फ्रेंड फैमिलीज कुलीग्स, ठीक है, तो ये आपके पास आपके पर्सनल सोर्स में आते हैं जिनसे आप डायरेक्टली कम्युनिकेट करके आप डाटा जो है कलेक्ट कर सकते हैं। डाटा के सोर्सेज आप लोगों ने पढ़े होंगे, डाटा कलेक्शन के दो सोर्सेज होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। मैम अजान हो रही है? जी नहीं, गुसल के फर्ज समझा आ रहे हैं, सुन लो फिर। ये भाई आप अब्दुल्ला से कहो कि समझ ले। मुझे ज़िया भाई समझा देंगे। Thank you.
नेक्स्ट वन इज इंडिपेंडेंट सोर्स. इंडिपेंडेंट सोर्स आपके पास ऐसे सोर्सेज होते हैं जिसके लिए आपको किसी के पास पर्सनली टेस्ट नहीं करना पड़ता, जस्ट लाइक कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर ग्रुप्स और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स. ठीक है, लेट्स सपोज अगर आप लोगों को गुड बाय करना है, ठीक है, और वो गवर्नमेंट से लिंकअप है, वैसे तो सब गुड्स हैं वो गवर्नमेंट से लिंकअप है. यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल कोट करते हैं FBR की. ठीक है, यू वॉन्ट NTN नंबर. ठीक है, NTN आपको नंबर चाहिए, आप उसको खरीदना चाहते हो, आप चाहते हो कि आप जो है FBR के साथ रजिस्टर्ड हो जाओ. ठीक है, तो वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से. और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कौन सा है, आपके पास FBR है, ठीक है, और PRA है, जो टैक्स रेवेन्यू अथॉरिटीज है आपके पास पंजाब में. ठीक है, पंजाब की PRA और ओवरऑल जो है FBR जो है वो चारों प्रोविंस का जो है वो टैक्स गैदर करती है. इसमें इंडिपेंडेंट सोर्स है, तो इंडिपेंडेंट सोर्स में आप देख रहे होते हो कि आपके पास जो है कहाँ से आप इन्फॉर्मेशन लोगे. अब आपने जैसी चीज बाय करनी है NTN नंबर, तो वो तो आपके पेरेंट्स या आपको आपके फ्रेंड्स आपको इन्फॉर्मेशन उसके बारे में नहीं दे सकते. सो यू हैव टू कंसर्न विद द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और कंज्यूमर ग्रुप. कंज्यूमर ग्रुप मतलब ऐसे ग्रुप जो उस चीज को ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, वो आपको गाइड कर देंगे जी ये प्रोसीजर होता है, इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपने इतनी फीस जमा करवानी होती है, और यहाँ पे आपने जो है अपना सारा डाटा देके तो अपना NTN नंबर गेट करना होता है. नेक्स्ट इज मार्केटिंग सोर्स. मार्केटिंग सोर्स आपके पास क्या है, ऐसा सोर्स आप कोई चीज खरीदना चाह रहे हो तो आपको मार्केटिंग सोर्स से जो है उसकी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है. जस्ट लाइक आपने कोई एडवर्टाइजमेंट देख ली किसी वेबसाइट पे, अक्सर आप यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे होते हो तो आपके पास वो दरमियान में एड्स आ जाती हैं. ठीक है, तो वहां से भी जो आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है वो भी आपके पास इन्फॉर्मेशन का एक सोर्स होता है. ठीक है, वो आपके पास कहते हैं एक तो आपकी सेल्स को एनहांस कर रहा होता है एडवर्टाइजमेंट. ठीक है, और जो वेबसाइट पे एडवर्टाइजमेंट दी जा रही होती है, ठीक है, वो भी एक बिजनेस ही चल रहा होता है, क्योंकि जो वेबसाइट्स हैं जिसकी वीडियोस चल रही हैं यूट्यूब के ऑनर की, ठीक है, जब वो किसी और की एडवर्टाइजमेंट उसमें देगा तो डेफिनेटली उनसे कुछ ना कुछ चार्ज करते हैं. नेक्स्ट इज एक्सपेरिमेंटल सोर्सेज. एक्सपेरिमेंटल सोर्सेज होते हैं जो कि आपने इंस्पेक्शन की होती है, ठीक है, या ट्रायल किया होता है. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंस्पेक्शन एंड ट्रायल. ट्रायल कहते हैं तजर्बे को, कि आप मतलब ट्राई कर लो जी, हम कहते हैं ना कि ये काम नहीं हो रहा है, बोतल का ढक्कन नहीं खुल रहा, तो हम कहते हैं तीस से ट्राई कर लो, तीस से खुल जाएगा. ठीक है, तो हम वो उसको जी दांतों से बोतल खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो ये हमारा है ट्रायल. ठीक है, और एक होता है इंस्पेक्शन. इंस्पेक्शन कहते हैं हम लोगों ने चीज को देखा होता है, ऑब्जर्व किया होता है कि जी ये काम ऐसे भी हो सकता है. ठीक है, अगर ये बोतल है मेरे हाथ से नहीं खुल रही, तो अगर मैं कोई कपड़ा रख के इसको खोलूंगी तो ये ज्यादा इजिली खुल जाएगी और मेरे हाथ में भी प्रॉब्लम नहीं आएगा. ये मेरी क्या थी, इंस्पेक्शन, के मैंने इस तरह से उस काम को होते हुए देखा हुआ है. जब उस काम को आपने होते हुए देखा हुआ है तो वो काम आपको ज्यादा बेहतरीन तरीके से आ जाएगा, या फिर आप उसको खुद ट्रायल कर लेते हो. तो ये दोनों चीजें आपके पास जो है एक्सपेरिमेंटल सोर्सेस में आती हैं. ठीक है, बुक से मैं आपको पेजेस की पिक्चर भेज दूंगी, आप उसको फर्दर स्टडी करेंगे. बुक में सारा आपका डाटा जो है वो रिक्वायर्ड है. ठीक है, और लास्ट ये था कि प्रॉब्लम में आ रही थी कि हमारे पास जो थे वो की पॉइंट्स से पता लग रहे थे हमें कि मेन हेडिंग कौन से, की पॉइंट्स कौन से, इसलिए मैंने आप लोग के जो है स्लाइड्स मेक ओवर कर ली हैं. जी मैम. ठीक है, अब बेटा एक छोटा सा टॉपिक और रह गया आपके पास, उसको करके फिर हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं. दैट इज मार्केट कैरेक्टरिस्टिक्स. नो मैम, मार्केट कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, मार्केट कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारे पास सबसे पहले आता है नंबर ऑफ अल्टरनेटिव्स. ठीक है, अल्टरनेटिव्स कहते हैं मुतबादिल को. ठीक है, इसको मैं सेंड करती हूँ. नेक्स्ट वन इज प्राइस रेंज. थर्ड इज स्टोर डिस्ट्रीब्यूशन. इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी. लास्ट वन इज एडवर्टाइजिंग. बेटा मार्केट्स आप लोगों ने पढ़ी होंगी. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, क्योंकि आज को मैं यहीं पे वाइंड अप कर रही हूँ. बेटा आप लोगों ने मार्केट पढ़ी होगी कि मार्केट हमारे पास कितनी किस्म की होती है. तो मार्केट हमारे पास चार किस्म की होती है. ठीक है, अगर आपको याद होती थोड़ा सा मुझे रिवाइज करवाई थी, फिर आपको बताऊंगी क्योंकि एग्जाम्पल्स में यूज होने हैं.
मैम ये किसी का माइक ऑन है, आपको मैंने बड़ा अभी नाम बोले तो एंड में लूं जस्ट अ मिनट। टाइप्स ऑफ मार्केट में बेटा आपके पास चार किस्म के मार्केट्स होती हैं, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ठीक है। अब बेटा चार किस्म के मार्केट्स हैं, इनकी जो इन्फॉर्मेशन है, इनकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, इसकी करेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट है, मोनोपोली के डिफरेंस है। अब परफेक्ट कंपटीशन में हमें पता है कि जी हमारे पास जो है वो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स होते हैं। मोनोपोली में हमें पता है कि जी एक ही सेलर है, उसने ही हमें चीज़ें सारी देनी है। ओलिगोपोली में हमें पता है कि हमारे पास चंद सेलर्स हैं। और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हमें पता है कि सेलर्स तो हमारे पास ज़्यादा हैं और वो नॉन होमोजीनियस प्रोडक्ट्स जो हैं वो नॉन होमोजीनियस प्रोडक्ट्स जो हैं वो जो है सेल आउट कर रहे हैं, लेक्चर कोड हो रहा है, ठीक है। तो मार्केट कैरेक्टरिस्टिक्स में हम देखेंगे कि हमारे पास गुड्स से रेलिवेंट जो है वो किन किन कैरेक्टरिस्टिक्स का जो हम कंज्यूमर है उसको ध्यान रखना पड़ता है चीज को खरीदते वक्त। सबसे पहले नंबर ऑफ अल्टरनेटिव्स, नंबर अल्टरनेटिव से मुराद है मुतबादल एशिया। अगर वो एक चीज को छोड़ रहा है तो क्या है इसके बदले में उसको तीन से चार चीजें उसके जैसे मिल सकती हैं। सबसे पहले उसको ये ध्यान रखना है कि जिस मार्केट में वो जाके चीज खरीद रहा है और वहाँ क्या उसको, लेट्स सपोज जब आप शॉपिंग के लिए जाते हो, आपने एक प्रोडक्ट नहीं बाय करना, आपने स्पेसिफिक प्रोडक्ट बाय करने होते हैं। ग्रोसरी अगर आप कर रहे हो तो आप लोग किसको प्रेफर करोगे, शॉपिंग मार्ट को, जहाँ से आपको जो है सारी जो है वो हाउस होल्ड की नेसेसिटीज जो है वो मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास एग्जाम्पल है नंबर ऑफ अल्टरनेटिव्स की। नेक्स्ट इज प्राइस रेंज। प्राइस रेंज क्या आपका बजट इतना है कि आप लोग जो है मेट्रो मॉल शॉपिंग कर सको या आप अपनी लोकल मार्केट से करो। तो यहाँ पे आप प्राइस रेंज भी अपनी जो है वो डिसाइड करते हो कि कौन सी मार्केट जो है आप लोगों के लिए सुटेबल रहेगी ग्रोसरी के लिए। नेक्स्ट इज स्टोर डिस्ट्रीब्यूशन। स्टोर डिस्ट्रीब्यूशन से मुराद है कि गोदाम वगैरह का आपने सुना होगा, गोदाम में चीजों को स्टोर कर लिया जाता है। क्या आप जो स्टोर प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रेफर करोगे या आप फ्रेश कमोडिटीज जो मार्केट में अवेलेबल हैं उनको प्रेफर करते हो। इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी, क्या आप ऐसी मार्केट में जा रहे हो जहाँ पे जो कस्टमर जो सेलर है वो आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे सके, उसको उस गुड के ऊपर कमांड हो, उसको पता हो कि इसके क्या फीचर्स हैं, जस्ट लाइक सेल्फ में उसको पता हो इसके क्या फीचर्स हैं और क्या क्या इसके इंसेंटिव हैं। अगर आप लोग एक सेलफोन खरीदना चाह रहे हो, ठीक है, आप अपने एरिया के शॉप से भी खरीद सकते हो, वही जो है आप फीस सेंटर से भी खरीद सकते हो। तो यहाँ पे मार्केट की करेक्टरिस्टिक्स आए थे कि कौन सी मार्केट जो है वो उस प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगी। तो कौन सी मार्केट ज़्यादा बेहतर है, तो फीस सेंटर, क्योंकि वहाँ पे आपको लार्ज नंबर ऑफ जो है वो सेलर्स मिलेंगे, ठीक है। वहाँ पे आप प्राइस रेंज भी जो है अपनी सुटेबल करवा सकते हो, वहाँ पे आपको ज़्यादा क्वालिटी और ज़्यादा बेहतर क्वांटिटी में जो है वो चीज़ें मिल सकती हैं। नेक्स्ट वन इज एडवर्टाइजिंग, ठीक है। अब आप ये भी देखेंगे कि किस मार्केट में कितनी एडवर्टाइजमेंट होती है। जिस मार्केट की जितनी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट होती है कस्टमर उस मार्केट की तरफ अट्रैक्ट होता है, ठीक है। अब हमारी जो लोकल मार्केट है, अब वहाँ पे जस्ट मुझे पता है ना कि जिस एरिया में कितनी शॉप्स हैं क्योंकि मैं यहाँ पे रहती हूँ, ठीक है। बाहर से आने वाले किसी को यहाँ की अवेयरनेस नहीं होगी, पर जो हमारे पास प्रॉपरली जो बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं, जैसे लाइक आपके पास एम्पोरियम मॉल्स या और जितने भी शॉपिंग सेंटर्स हैं, इनकी एडवर्टाइजमेंट ने इनको एनहांस किया है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हमें पता लगा कि जी ये हमारे पास लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करते हैं और सेल आउट करते हैं, यहाँ से हमें नंबर जो है वो गुड्स मिल सकते हैं और डेफिनेटली फिर हम वहाँ पे मूव ऑन करते हैं। इट इज द एंड ऑफ लेक्चर, इफ यू हैव एन क्यूरी यू मे आस्क। जी स्टूडेंट। नो मैम, अब जुमा पढ़ने जाना है, हम लीव कर दें। जुमा पढ़ने जाना मुझे पता है हाशिम, अभी क्लास चल रही है, पांच मिनट रुक जाओ, अब जुम्मे में टाइम है। मैम इसको तमीज ही नहीं है जी। मैम इसको किक, मैम इसको किक कर रहे हैं यहां पे, 1 बजे हो जाता है, मैम डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है ये। बेटा 1 बजे नहीं होता हसीब, बेटा आप पूछ सकते हो जो पूछना है आपने, ठीक है। लेक्चर कोड हो गया हुआ है। मैम मैं एक बात पूछूं? जी पूछें। मैम टाइप्स ऑफ मार्केट वाली स्लाइड निकालिएगा। मुझे शो नहीं हो रही, शो नहीं हो रही।
बेटा मैं आपको नेम बता देती हूँ, हो गई है मैम। मैंने पूछना था कि इन मार्केट्स को डिटेल। जी बेटा पूछो। जी जी बेटा क्वेश्चन रिपीट करो, मुझे आपकी आवाज नहीं आई। मैं पूछ रही हूँ कि इन मार्केट्स को डिटेल में, डिटेल में बता दो मैडम, इन मार्केट्स को डिटेल में करना है या फिर इनके पास नेम ही याद रखना है। बेटा आपने जैसे मार्केट के करैक्टेरिस्टिक्स याद रखने हैं, जैसे आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट किस टाइप में है, जस्ट डेफिनेशंस, ठीक है। जस्ट लाइक परफेक्ट कंपटीशन है तो उसमें आपके पास नंबर ऑफ बायर्स और नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, ठीक है। मोनोपोली में आपके पास सिंगल सेलर होता है, ओलिगोपोली में फ्यू सेलर्स होते हैं, ठीक है। जस्ट आपने इसे की पॉइंट्स याद रखने हैं, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? ओके मैम, ये हमने थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा भी होगा। थर्ड सेमेस्टर में हमने पढ़ा होगा, मैंने अभी आपसे पहले बीबीए वालों को ये लेक्चर डिलीवर किया। अगर आप लोगों को मार्केट की ये पढ़नी है तो आप उधर से लेक्चर देख लीजिएगा, ठीक है। हाशिम बेटा अटेंडेंस लिया आपने? जी जी मैम, हमने पढ़ा हुआ है, ये इसके नोट्स भी पढ़े हैं। इसके नोट्स ही पढ़े होंगे, आप वहां से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आगे जो है ये थोड़े थोड़े यूज होंगे। मैम मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ सब बच्चों के। बेटा मैं आपको स्क्रीनशॉट स्लाइड, ठीक है, मैं आपको स्लाइड शेयर कर देती हूँ। ये स्लाइड्स मैं अभी आपको हर्षम मेल कर देती हूँ, आप अपने ग्रुप में ग्रुप पहले। मैम मैं बच्चों की जो जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके ले लिए स्क्रीनशॉट अटेंडेंस के लिए, ठीक है। उनके मैंने भी ले लिया, ओके हो गया, ठीक है। इट इज द एंड ऑफ लेक्चर। अगर आपको इस लेक्चर के रिगार्डिंग कोई भी इशू हो तो मुझे पूछ लीजिएगा, और मैं आपको एक असाइनमेंट भी साइन करूंगी फॉर द नेक्स्ट वीक। ओके मैम, ओके।